नमस्कार। अपना चला था परमाणु से संबंधित कुछ शब्दावलियां, तो उसमें अपना ला रहा था समस्थानिक। समस्थानिक मीनिंग देता है टॉक्स। समस्थानिक होते क्या, देखिए वे एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक कैसा रहेगा, समान। परंतु जो द्रव्यमान संख्या होती है अपनी वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न अलग अलग होती है, वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। मैंने एक ही तत्व परमाणु, परमाणु क्रमांक कैसे हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे उदाहरण की बात करें, 1H1, 1H2, 1H3 यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक व्यक्ति प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो अपन ने पढ़ा था परमाणु के प्रतिकारात्मक प्रदर्शन में XZA यानी नीचे क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या लिखी जाती है, द्रव्यमान संख्या। तो X किसको प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को, पर तत्व के प्रतीक को। तो अब X के जरिए क्या लिख रखे अपन, हाइड्रोजन X, नीचे क्या है परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, नीचे तो परमाणु क्रमांक सभी क्या है, 1 1 1, एक एक है, तो सभी का परमाणु क्रमांक तो कैसा है, समान है। परंतु ऊपर इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक, इसकी कितनी है, दो, इसकी कितनी है, तीन। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न आ रही है अपनी, इसलिए एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। ठीक है, ये था अपना समस्थानिक। नेक्स्ट अपना संभारिक। संभारिक आइसोबार, सम यानी समान, भारी यानी भार, जिसका भार समान हो, भार यानी उसका द्रव्यमान समान हो, वे क्या कहलाते हैं, संभारिक। ठीक है, तो वे परमाणु समूह जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न, ये बदल जाएंगे, परमाणु क्रमांक कैसा हो जाएगा, भिन्न। परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, समान। द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, समान। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या कैसी हो, समान हो, वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, संभारिक। जैसे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये क्या है, प्रतीक है तत्व का। तो प्रतीक आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक जेड कितना है, 18। परमाणु क्रमांक कितना है, 19। परमाणु क्रमांक कितना है, 20। तो परमाणु क्रमांक सभी के क्या है, भिन्न भिन्न आ रहा है। द्रव्यमान संख्या देखिए 40 40 40, सभी की समान आ रही है, इसका मतलब ये एक दूसरे क्या कहते हैं, संभारिक कहलाते हैं। ठीक, इसी श्रेणी में एक आता है सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान हो, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो ये था सब समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट अपनी परिभाषा आती है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। जैसे सम मीन्स समान, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वे श्रेणी क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक
श्रेणी। तो परमाणु धनायन या ऋणायन, परमाणु धनायन या ऋणायन, परमाणु धनायन या ऋणायनों का वह समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे H- हीलियम, लिथियम प्लस Li प्लस Be2+ आदि। देखिए हाइड्रोजन H- हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक। एक माइनस इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, दो। कितनी है, दो। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, दो। इस पर कोई आयस नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, दो। Li प्लस तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तीन। कितना होता है, तीन। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, तीन प्लस वन, एक इलेक्ट्रॉन इसने हटा दिया तो कितने बचे, दो। बेरिलियम Be परमाणु क्रमांक कितना होता है, चार। चार में टू प्लस, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कितने बचे, दो। तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे रही, समान। तो ये जो श्रेणी है ये श्रेणी कहलाती है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, ठीक। तो भिन्न भिन्न परमाणु धनायन ऋणायन वह समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, ठीक। नेक्स्ट अपना सम प्रोटोनिक श्रेणी, सम प्रोटोनिक श्रेणी, सम यानी समान, वही प्रोटोनिक एंड प्रोटोन, परमाणु धनायन और ऋणायनों का वह समूह जिसमें प्रोटोन की संख्या समान हो, सम प्रोटोनिक श्रेणी कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए Mg2+ अब Mg मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इसमें प्रोटोन की संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। Mg2+ इसमें तो इसमें इलेक्ट्रॉन हटा दिए, जब इलेक्ट्रॉन आयन का निर्माण होता है तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन नहीं निकलते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या किसमें कितनी, 12। तो यह आपस में क्या है, सम प्रोटोनिक श्रेणी। इसी प्रकार देखिए Fe2+ Fe3+, ठीक है। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रोटॉन कितनी है, 26। Fe2+ इसने कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए, दो। तो जब आयन का निर्माण होता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, नाभिक से प्रोटॉन संख्या नहीं निकलती है, नहीं निकले तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, दो कम हो गए, कितने बच गए, 24। परंतु प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें 26 ही रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार Fe3+ 2+ से बदल गया, 3+ में, 3+ में इलेक्ट्रॉन और कम हो गए, 26 में 3 कम हो गए, 23 बच गए, प्रोटॉन नहीं निकले, प्रोटॉन उतने कितने, 26। इस पर इसमें प्रोटॉन संख्या कितनी है, 26। तो ये अपने आप इसमें क्या कहलाते हैं, सम प्रोटोनिक श्रेणी। इस प्रकार जो अपनी शब्दावली थी परमाणु संयोग कंप्लीट हुई, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सम प्रोटोनिक क्या है, समस्थानिक क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।